नमस्कार साथियों साथियों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 6.5 मल्टीमीटर में कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरामीटर क्या क्या होते हैं और 6.5 मल्टीमीटर को यूज कैसे करते हैं, इसका मिनिमम रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है, जीरोइंग कैसे करते हैं और उसमें कुछ और भी रिलेवेंट की होते हैं, फंक्शनिंग होते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे यूज होता है। बिकॉज हमारे पास बहुत लोगों की क्यूरी आई थी कि 6.5 मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है या प्रॉपर सिलेक्शन करने नहीं आता है, लोगों से फ्यूज उड़ जाते हैं, इसके पीसीबी खराब हो जाते हैं, इसलिए ये वीडियो पर्टिकुलर 6.5 मल्टीमीटर के लिए हम लेकर आए हैं। तो साथियों ये है हमारा 6.5 डिजिट प्रिसीजन मल्टीमीटर, मेक है फ्लूक, मॉडल है 8846A। साथियों सबसे पहले बात करते हैं 6.5 मल्टीमीटर की, तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि मल्टीमीटर में जो पावर केबल देते हैं मीटर को ऑन करने के लिए, जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट, वो कहां पर देते हैं। उसके लिए पीछे हमारा मेन ऑक्सिलरी यूनिट सप्लाई केबल है, यहां पर हम इसको ऑक्सिलरी सप्लाई को लगा करके और यहां पर एक पावर का ऑन ऑफ की है, यहाँ से हम ऑन कर देते हैं तो मीटर में हमारा पावर आ जाता है। पावर आने के बाद भी इसमें एक और ऑन ऑफ का की होता है जो ये फ्रंट पर है, इसको प्रेस करने से ऑफ हो जाता है, फिर प्रेस करने पर ये मीटर ऑन हो जाता है। तो पीछे जो हमने पावर की बताया वो पूरे मीटर में सप्लाई बंद कर देगा, यहीं पावर केबल के पास ही सप्लाई रहेगा, आगे नहीं आने पाएगा। फिर इसके बाद में जो फ्रंट वाला पावर के की है, इसके थ्रू अंदर पावर होता है बट फंक्शनिंग वर्किंग में नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि कनेक्शन के बाद क्या करना चाहिए। जब हम मल्टीमीटर में पावर सप्लाई का इनपुट दे देते हैं, मीटर को ऑन कर देते हैं, मीटर ऑन करने के बाद इसे मिनिमम 30 मिनट के लिए वार्म अप टाइम के लिए डाल देते हैं। अब ये 30 मिनट फिक्स नहीं होता है, किसी किसी डिवाइस में यूजर मैनुअल में 30 मिनट से ज़्यादा भी लिखा रहता है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा है तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा वार्मअप के लिए छोड़ना पड़ेगा, बट 6.5 मल्टीमीटर को आप 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये सूटेबल है और ठीक है। जब वार्मअप पीरियड होता है 30 मिनट, उसके बाद बात होती है कि इसमें फंक्शनिंग क्या क्या है। तो फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है इसमें दो प्रकार का इनपुट मेजरमेंट होता है, एक फ्रंट होता है जहां पर ये बनाना टाइप फीमेल कनेक्शन दिए हैं, कनेक्शन हम अभी आपको करके दिखाएंगे। तो अगर फ्रंट इनपुट कनेक्शन करना है तो हमें ये फ्रंट की है, इसे दबा के रखना होता है। इसके साथ साथ इसमें रियर बैक साइड में भी कनेक्शन के कुछ इनपुट केबल हैं जो बनाना फीमेल कनेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर अगर कनेक्शन करके हमें मेजरमेंट करना है उसके लिए फ्रंट पर एक रियर का की है, ये रियर की, इसे हमें प्रेस करना होता है। इसे प्रेस करेंगे तो बैक साइड में जो हम कनेक्शन करते हैं उसका मेजरमेंट यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम फ्रंट और रियर दोनों एक एक बार करके कनेक्शन दिखाएंगे। तो अभी हम फ्रंट कनेक्शन की बात करेंगे, तो अब ये हो गई फ्रंट और रियर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पैरामीटर क्या क्या होता है इसमें। साथियों 6.5 मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज पैरामीटर होता है, एसी वोल्टेज पैरामीटर होता है, डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये डीसी रेजिस्टेंस होता है, एसी रेजिस्टेंस नहीं होता है इसमें। फिर उसके बाद में इसमें कैपेसिटेंस मेजरमेंट होता है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड मेजरमेंट होता है, यहाँ से अगर इस की को आप सेलेक्ट करते हैं तो कॉन्टीन्यूटी टेस्ट के लिए होता है, डायोड टेस्टिंग का होता है। आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये टेम्प TEMP की है, इसको प्रेस करेंगे तो आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। मैं एक एक बार आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ, जैसा कि अभी डीसी वोल्टेज अगर आपको करना है आप इस डीसी वोल्टेज को प्रेस करेंगे, यहाँ पर मिली वोल्ट करके ये आ रहा है, इसमें आपको सिंबल भी दिख रहा है, डीसी सिग्नल का सिंबल है ये। इसके बाद में अगर आपको एसी वोल्टेज करना है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, डीसी वोल्टेज आपने सिलेक्ट किया, इसके साथ साथ एक सेकेंड मेजरमेंट का ऑप्शन आ रहा है।
सेकेंड मेजरमेंट को जब आप इसके नीचे ये जो ऊपर वाले की होते हैं ये डिस्प्ले पर जो भी फंक्शनिंग दिए हैं उसके नीचे वाला की दबाएंगे तो वो फंक्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमें सेकेंड मेजरमेंट करना है तो इसके नीचे की है F5, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो सेकेंड मेजरमेंट का ये ऊपर एक रीडिंग आ रही है मिली वोल्ट AC सिग्नल, ये AC का सिंबल है, ठीक है। तो सेकेंड मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे अभी DC वोल्टेज का आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो सेकेंड मेजरमेंट में DC वोल्टेज के साथ साथ और AC पैरामीटर के AC वोल्टेज के कौन कौन से अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं वो अनवांटेड सिग्नल को यहाँ पर सेकेंड मेजरमेंट के रूप में दिखा देता है। फिर इसी प्रकार से अगर आपको AC वोल्टेज मेजर करना है तो ये AC वोल्ट का की जो है इसे आप प्रेस करेंगे और प्रेस करके यहाँ पर आप देखेंगे AC वोल्टेज, ये AC का सिंबल भी आ रहा है। साथ में सेकेंड मेजरमेंट करना है इसको प्रेस करेंगे F5 को। इसके बाद इस AC सिग्नल में DC सिग्नल के क्या अनवांटेड सिग्नल हैं वो यहाँ पर मिली वोल्ट के रूप में आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ DC मेजरमेंट की आप बात करेंगे तो कुछ DB एंड DBM कन्वर्जन वैल्यू होता है तो उसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप DB एंड DBM भी मेजर कर सकते हैं, जिसे AC वोल्टेज का लेवल भी बोला जाता है कि AC वोल्टेज का लेवल कितना है, कितना DB है या कितना DBM है। इसके बाद आपको DC करंट मेजर करना है तो आप यहाँ पर DCI की देख रहे हैं, इस DCI की को सिलेक्ट करेंगे। फिर जब DCI की को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको दो मोड दिखेगा, एक मिली एम्पियर है और दूसरा 10 एम्पियर है। साथियों अगर आपको मिली एम्पियर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आपको ये मिली एम्पियर को सिलेक्ट करके रखना है और एम्पियर मेजरमेंट करना है तो ये 10 एम्पियर का की आप सिलेक्ट कर देंगे। अब मिली एम्पियर एम्पियर का ये होगा कि कितने से कितना होना चाहिए, तो ये जो मिली एम्पियर है ये 0 से लेकर 400 मिली एम्पियर तक के लिए होता है और 400 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट है तो आप 10 एम्पियर के मोड को सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद इसमें भी सेकेंड मेजरमेंट है, इसको भी जब सेकेंड मेजरमेंट का आप की दबाते हैं तो DC करंट के साथ साथ AC करंट का क्या नॉइज या अनवांटेड सिग्नल आ रहा है वो आपको ऊपर यहाँ करंट में दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको AC करंट का मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर ACI करके दिख रहा है आपको AC करंट, इसे आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ AC करंट का यहाँ पर सिग्नल डिस्प्ले करेगा, आपको सिंबल भी AC करंट का दिख रहा होगा। अब ये माइक्रो एम्पियर में है, इसमें भी सेकेंड मेजरमेंट को अगर आप क्लिक करते हैं तो AC सिग्नल के साथ साथ DC सिग्नल का जो अनवांटेड करंट है वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है, माइक्रो एम्पियर एंड DC का सिंबल भी है। इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था DC रेजिस्टेंस मेजरमेंट होता है, अगर DC रेजिस्टेंस मेजर करना है यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो ओम होता है उसका सिंबल बना हुआ है, इसे आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर ओम की वैल्यू आ जाएगी। अभी इसमें कोई भी हमने इनपुट नहीं दिया है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का ये फैक्ट होता है कि अगर कोई भी इनपुट नहीं है तो रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ओवरलोड लिख कर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो इसमें भी दो मोड होते हैं, 2 वायर एंड 4 वायर। साथियों जब भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना हो, अगर आप लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं जैसे कि 100 किलो ओम के नीचे, 100 किलो ओम के नीचे अगर रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो आपको 4 वायर मोड में यूज करना चाहिए। उस केस में आपको 4 वायर के नीचे जो क्यू है F2, इसे आप प्रेस कर दीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं किलो ओम 4 वायर मोड यहां पर सिलेक्ट हो गया है, तो अब यहां पर 4 वायर का मेजरमेंट होगा। कनेक्शन में अभी आपको समझाऊंगा कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद 2 वायर का मेजरमेंट करना है, जब आप एबव 100 किलो ओम और 1 गीगा तक यूज करेंगे तो आपको 2 वायर मोड में प्रेस करके रखना है। इसके बाद रेजिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पर टेम्प का जो कि है इसे प्रेस करेंगे, इसे प्रेस करते यहाँ पर आप देख रहे हैं डिग्री सी का भी वैल्यू आ गया, यहाँ पर जब आप कोई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो टेम्परेचर दिखेगा। इसमें भी 4 वायर और 2 वायर का मोड होता है, अभी इसमें हमने 4 वायर को सिलेक्ट नहीं किया है
तो ये 2 वायर में डिस्प्ले करेगा, और अगर हमको 4 वायर मेजरमेंट करना है तो 4 वायर को यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अब ये 4 वायर का रिजल्ट दिखाएगा। जब भी आपको RTD टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, आपको हमेशा ही 4 वायर में ही करना चाहिए, बिकॉज मैंने शुरू में रेजिस्टेंस मेजरमेंट में ही बताया आपको कि 100 किलो ओम से नीचे का रेजिस्टेंस हमेशा 4 वायर में मेजरमेंट करना चाहिए। तो जब भी आप रेजिस्टेंस के बेस पर RTD टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ही लो होती है, ये ओम में किलो ओम के अंदर ही होता है। तो जब किलो ओम के अंदर है और हमने बोला था कि 100 किलो के अंदर 4 वायर लेना चाहिए, इसीलिए RTD मेजरमेंट भी हमेशा 4 वायर में ही लेना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें सेकेंड मेजरमेंट है, सेकेंड मेजरमेंट को हम जब प्रेस करते हैं तो RTD टेम्परेचर हमेशा रेजिस्टेंस के बेस पर, इसका थ्योरी होता है रेजिस्टेंस इनपुट के बेस पर ही ये टेम्परेचर शो करता है। तो अभी यहाँ पर सेकेंड मेजरमेंट जब हमने प्रेस किया तो ऊपर आप देख रहे हैं ओम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कि जितना हम यहाँ टेम्परेचर देख रहे हैं उसका रेफरेंस रेजिस्टेंस कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर टेम्परेचर के बाद इसमें कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। साथियों इसमें जो कैपेसिटेंस होता है AC कैपेसिटेंस का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, बिकॉज इसमें कोई फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, कोई वोल्टेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, कोई ड्रॉप करंट मेजरमेंट कंट्रोलिंग का ऑप्शन नहीं है। तो ये कितने फ्रिक्वेंसी के ऊपर मेजरमेंट करेगा ये हमारे पास कन्फर्मिटी नहीं होती है, इसलिए इसे लोग DC कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो इस मल्टीमीटर का यूज करके आप AC कैपेसिटेंस मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सलाह दिया जाता है कि कोई भी मल्टीमीटर यूज करके आप प्रॉपर कैपेसिटर यूज मेजरमेंट ना करें। जब भी आपको कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करना हो आप LCR मीटर का यूज करें, जिसपे कि आप अपने बेस पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल करके एक प्रॉपर कैपेसिटर का रीडिंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड पैरामीटर होता है, ये की है इसका आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। इसे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हर्स जिसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्स होता है, वो यूनिट आ गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिख रही है। और जब सेकेंड मेजरमेंट करेंगे तो इसमें इसका टाइम पीरियड भी ऊपर आ जाता है, अब आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं और इसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है कॉन्टीन्यूटी एंड डायोड मेजरमेंट, ये जो कि आपको दिख रहा है डायोड का सिंबल, इसे प्रेस करके आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं। जब इस पर कोई भी कनेक्शन वेरीफाई करेंगे अगर कॉन्टीन्यूटी ओके होगा तो यहाँ पर बीप का साउंड आएगा। तो साथियों ये हो गए पैरामीटर, इतने पैरामीटर अवेलेबल हैं और उसका की सिलेक्शन ये है। अब बात आती है कि इसमें रेंज को अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि ये DC वोल्टेज हमने सिलेक्ट किया, अभी ये क्या है, ये ऑटो मोड में है। आप जितना सिग्नल इस पर इनपुट अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिक अपना रेंज सिलेक्ट करता चला जाएगा, जिस रेंज का रीडिंग होगा उतने रेंज में इसका डिस्प्ले आ जाएगा। बट इसमें रेंज का एक की दिया है, अगर इसे आप सिलेक्ट कर देते हैं तो इसे रेंज सिलेक्ट करके इसे मैनुअल मोड में भी ला सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल MAN आपको दिख रहा होगा, ये मैनुअल मोड है। अब इससे क्या है कि रेंज आपको कंट्रोल करना रहेगा, अभी ये 1 वोल्ट में चला गया, फिर 10 वोल्ट में चला गया, 100 वोल्ट में चला गया, 1000 वोल्ट में चला गया। रेंज को कम करना है तो नीचे वाला की प्रेस करिए, 1000 से 100 आ गया, फिर 10 हो गया, फिर 1 हो गया, ऐसे इसको प्लस एंड माइनस साइड का ये की प्रेस करके आप रेंज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से रेंज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मीटर को जीरो करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए आपने DC वोल्टेज सिलेक्ट किया, अब आप चाहते हैं डिस्प्ले को जीरो करना, इसके लिए यहाँ पर एक जीरो की दिया है, आपको दिख रहा होगा ये जीरो की। इस की को जब आप प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले जीरो हो जाता है, इसके डिस्प्ले पर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट एरर आता है, वो जीरो हो जाता है। बट यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैथ MATH,
मैथ लिखा हुआ दिख जाएगा, बिकॉज इससे पता चलता है कि हमने इसके इंटरनल सिग्नल को जीरो किया है, तो वो मैथ सिग्नल के थ्रू उतना सिग्नल हमेशा माइनस करके आपको डिस्प्ले पर शो करेगा। अभी हम इस जीरो को हटा देते हैं, इसके रियल एब्सोल्यूट एरर पर ही रखते हैं। इसके बाद में इसमें और भी की होते हैं, जैसे ट्रिगर हो गया, मेजरमेंट सेटर। ट्रिगर के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई रीडिंग मैच नहीं करती है एक सोर्स का और मेजर का, तो उसको मैचिंग के लिए या उसको होल्ड करने के लिए ट्रिगर का यूज़ कर लेते हैं। मेजरमेंट सेटअप में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको इसका रिजोल्यूशन घटाना बढ़ाना हो तो यहाँ से रिजोल्यूशन घटा बढ़ा सकते हैं, और उसका स्पीड भी, जो मेजरिंग स्पीड है, फास्ट मेजर करना है, स्लो मेजर करना है। यहाँ PLC के थ्रू आप देखेंगे 6 digit 100 PLC, 6 digit 10 PLC, तो जैसे जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं इसका डिजिट और मेजरमेंट स्पीड जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। तो साथियों ये है इसका फंक्शन एंड पैरामीटर सिलेक्शन। अब बात हम करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो मैं एक एक पैरामीटर का कनेक्शन आपको बता देता हूं। जब भी आपको इसमें कनेक्शन करने की बात आएगी तो इस प्रकार से केबल होता है, इसे बोलते हैं बनाना टू बनाना। ये भी बनाना टाइप है और ये भी बनाना टाइप है, तो ये बनाना टू बनाना केबल का इसमें यूज कर लेते हैं। इसमें ये आपको देख रहा है, अगर मान लीजिए हमें DC वोल्टेज का कनेक्शन करना तो सबसे पहले DC वोल्टेज सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें इनपुट का आपको दिख रहा होगा, इनपुट ये बनाना फीमेल है, इसमें हम क्या करेंगे, हाई वाले में ये रेड केबल लगा देंगे एंड लो दिख रहा है, लो वाले में ये ब्लैक केबल लगा देंगे। तो जब भी आपको वोल्टेज DC वोल्टेज मेजरमेंट करना हो या AC वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, AC DC दोनों वोल्टेज के लिए हमें सेम कनेक्शन करना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे AC वोल्टेज मेजर करना हो या DC वोल्टेज मेजर करना हो, हम इनपुट मोड में जो हाई है और लो है उसमें रेड एंड ब्लैक केबल लगा देते हैं। फिर जिस भी सोर्स का हमें मेजरमेंट करना होता है उस सोर्स के आउटपुट पर ये केबल लगा देते हैं, तो हमारी सिग्नल इस नॉब के थ्रू आ जाती है। और हमने पैरामीटर सेलेक्ट किया है, रेंज सिलेक्शन करना मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह से वो रीडिंग सेंस करके डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है। फिर ऐसे ही DC करंट कनेक्शन की बात करें तो DC करंट के लिए साथियों ये ब्लैक जो है कॉमन सेम रहता है, ब्लैक कॉमन जो है ये सेम रहता है, बट रेड जो है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं, एक है 400 mA, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट में दो मोड होता है, एक मिली एम्पियर का और एक 10 A का। अगर आपको मिली एम्पियर मेजर करना है तो 400 mA तक का ये प्रोब है और 10 A का कनेक्शन लीड ये है। तो अगर इस पर आप 400 के अंदर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 400 mA के कनेक्शन को करिए, 400 mA से ऊपर जाना है तो आप 10 A वाले नॉब का यूज करिए। अगर 400 mA पर थोड़ा सा भी ऊपर रीडिंग आपने अप्लाई कर दिया तो इसका फ्यूज जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप करंट मोड को यूज करें बहुत ही ध्यान से और सतर्कता के साथ यूज करें कि किसी भी मोड पर, चाहे 400 हुआ या 10 A हुआ, इस पर उससे थोड़ा सा भी सिग्नल अप्लाई न होने पाए। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा सिग्नल अप्लाई हुआ तो इसका फ्यूज खराब हो जाएगा, और 400 mA 10 A दोनों का फ्यूज अलग अलग होता है। अगर एक का खराब हुआ तो दूसरा उसके वजह से खराब नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन अलग है और दोनों का फ्यूज भी अलग है। तो अब हम देखते हैं, अगर मिली एम्पियर हमें मेजर करना है अप टू 400 mA, तो हमने ये कॉमन सेम रखा है, रेड कलर जो है यहाँ पर लगा देंगे रेड केबल 400 mA पर, और इनपुट से जो है इस पर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर DC करंट शो करेगा। इसके बाद में अगर हमें 400 mA से ऊपर का करंट मेजर करना है तो हम रेड केबल को 10 A वाले प्रोब में लगा देंगे नोब में, और उसके बाद में यहाँ पर लगाने के बाद, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होता है, हमें 10 A पर लगाने के बाद 10 A वाले मोड को सिलेक्ट करना होता है। जब इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये एम्पियर मोड में आ गया। अब इसके ऊपर जो हम सिग्नल अप्लाई करेंगे वो सिग्नल यहाँ पर DC करंट का दिखाता रहेगा। साथियों जो मैंने DC करंट का कनेक्शन बताया, सेम टू सेम
एसी करंट के लिए भी वही प्रोसेस है, 400 मिली एम्पियर 10 एम्पियर, सेम वही प्रोसेस इसके लिए भी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस का। साथियों मैंने आपको बताया था एक 2 वायर और 4 वायर। अगर 2 वायर मेजरमेंट करना है तो जैसा कि हमने वोल्टेज मेजरमेंट के लिए कनेक्शन किया था इनपुट का हाई और इनपुट का लो, सेम कनेक्शन पर हमारा 2 वायर रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, 100 किलो ओम से नीचे का कर रहे हैं, तो हमें 4 वायर लगाना पड़ेगा। उस केस में इनपुट का हाई लो हो गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंस के नीचे 4 वायर ओम भी लिखा है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि चौथे के जो 2 वायर हैं वो कहाँ लगेंगे, वो सेंस के 4 वायर मोड में लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेंस का हाई और ये हो गया सेंस का लो। अब इस तरह से इन चारों के बल पर जो उसका सोर्स होगा, सोर्स का इनपुट आउटपुट हाई, सेंस हाई, और सोर्स का आउटपुट लो, सेंस लो, ये जब चारों केबल का आप कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पर 4 वायर मोड सिलेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से इस पर 4 वायर मोड में रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस कनेक्शन। इसके बाद में आता है टेम्परेचर कनेक्शन। टेम्परेचर के लिए भी 4 वायर और 2 वायर मैंने आपको बताया था। 4 वायर करना है तो सेम जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के लिए इनपुट का हाई लो किया था, फिर सेंस का हाई और लो किया था, ये RTD टेम्परेचर का 4 वायर कनेक्शन हो गया। और 2 वायर करना है तो ये सेंस वाला केबल हम हटा देंगे और यहाँ पर 4 वायर मोड को हटा देंगे। अब ये क्या करेगा, 2 वायर मेजरमेंट स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में कैपेसिटेंस के लिए कनेक्शन जो होता है, हमारा जो इनपुट का हाई लो है जिस पर हमने वोल्टेज का कनेक्शन किया था, रेजिस्टेंस का किया था, सेम वही 2 वायर का कनेक्शन हमारा कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए भी करना होगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड कनेक्शन के लिए है। इस पर भी साथियों सेम वही इनपुट का जो हमारा हाई और लो है, यही 2 वायर कनेक्शन इसमें भी करके रखना है। आपको कनेक्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग डायोड टेस्टिंग की बात करेंगे। उस पर भी इनपुट का हाई और लो जैसे कि वोल्टेज में हमने सेम किया था, सेम वही कनेक्शन कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग में भी है। और जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीप की साउंड आ रही होगी, टो 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 करके बीप की साउंड आ रही है और यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू भी दिखा रही है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग करेंगे। और अगर वायर या किसी सर्किट की कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती है, उसमें कहीं डिस्कनेक्ट है, कहीं ओपन है, तो ऐसे ओपन दिखा देगा और सर्किट ठीक है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी और बीप का साउंड आना चालू हो जाएगा। इस तरह से हम इस पे डायोड एंड कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। सेम कनेक्शन साथियों रियर वाले केबल में भी होता है। यहाँ पर बस एक डिफरेंस है कि इनपुट का जो है पूरा है और 4 वायर का भी सेम है, बट करंट मेजरमेंट में डिफरेंस आता है कि यहाँ पर ओनली 400 मिली एम्पियर का ऑप्शन दिया है, 10 एम्पियर का ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर आपको रियर साइड से मेजरमेंट करना है तो ओनली 400 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर पाएंगे और कनेक्शन सेम वैसे होगा जैसा कि हमने फ्रंट पर बताया था। यहाँ पर भी इनपुट लिखा है, सेंस लिखा है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करके आपको कनेक्शन करना है। इस तरह से साथियों एक 6.5 डिजिट फ्लूक 8846 का कनेक्शन करते हैं और उसका की सिलेक्शन करते हैं, उसको वायर कनेक्शन करते हैं 2 वायर 4 वायर, और उसका सेकेंड मेजरमेंट भी इस तरह से हम कर लेते हैं। और जीरोइंग का भी मैंने आपको बता दिया कि जीरोइंग कैसे करते हैं। रेंज का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि किसका कितना रेंज होता है। साथियों इसमें DC वोल्टेज की बात करें तो DC वोल्टेज 0 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक होता है। AC वोल्टेज की बात करें तो AC वोल्टेज भी हमारा 1 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक होता है। और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इसमें AC वोल्टेज का 50 हर्स टू 1 मेगा हर्स वोल्टेज मेजरमेंट हो जाता है। बट अगर ओनली फ्रीक्वेंसी मेजर की बात करें तो वो हम 3 हर्स टू 1 मेगा हर्स तक फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। 3 हर्स टू
1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पर मेजर कर सकते हैं। डीसी करंट की बात करें तो 0 एम्पियर से लेकर आपका 0 एम्पियर मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं लोअर, और मैक्सिमम 10 एम्पियर तक मेजर कर लेते हैं। एसी करंट की बात करें तो एसी करंट में ये 10 माइक्रो एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो लोअर में 1 ओम और हायर साइड में 1000 मेगा ओम जिसे कि 1 गीगा ओम बोलते हैं वहां तक मेजर कर लेता है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो ये -200 डिग्री से लेकर के 600 तक स्पेसिफिकेशन होता है, बट मेजरमेंट कैपेबिलिटी इसमें 800 डिग्री तक होता है, 800 तक ये डिस्प्ले शो कर देता है। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस लोअर में 1 नैनो फैरड से इसकी अच्छी रीडिंग आनी स्टार्ट होती है, और हायर साइड में आप 10 मिली फैरड 100 मिली फैरड तक इस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी की मैंने बताया था आपको कि 3 हर्ट्ज़ से 1 मेगा हर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी इस पर शो होता है। और पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड क्या होता है आपका T=1/f, तो जितना फ्रीक्वेंसी है उसके अपोजिट में इसका टाइम पीरियड भी मेजरमेंट हो जाएगा। और ये तो कॉन्टीन्यूटी के लिए है, इसका कोई रेंज का दिक्कत नहीं है, वोल्टेज लो होनी चाहिए 1000 वोल्ट के अंदर का। अगर कोई कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करना है तो इस की के थ्रू कर सकते हैं। फिर जब सारा कुछ कर लेते हैं तो इस फ्रंट की को दबा कर हम इसे स्विच ऑफ कर देते हैं, एंड अगर कभी हमें डिस्प्ले से बैक जाना हो तो यहाँ पर एक बैक की लगा है छोटा सा, ये देख रहे हैं बैक, इसको दबाने से हम बैक हो जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन रेंज कनेक्शन और 1846 600 मल्टीमीटर का ओवरव्यू। साथियों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और इसका यूज प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, इनपुट अप्लाई करके मेजर कैसे करते हैं वो हम दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे, बिकॉज एक वीडियो में बताना बहुत ही लंबा हो जाता है तो आपको भी बोरियस महसूस होने लगेगा। इसका इनपुट मेजर करना हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे, और आपको इसमें कुछ और लगता हो कि कुछ फंक्शन और हमें बताना चाहिए या कुछ और आपको डाउट है वो सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने सगे संबंधियों को अपने कलीग को शेयर करिए जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकें और मल्टीमीटर को अच्छे यूज करें। बिकॉज अगर अच्छे से इसका फंक्शनिंग पता नहीं होता है, रेंज पता नहीं होता है, तो साथियों इस पर हायर सिग्नल अप्लाई करने से या गलत कनेक्शन करके सिग्नल अप्लाई करने से मल्टीमीटर का फ्यूज खराब हो सकता है, डिस्प्ले खराब हो सकता है, या इसके अंदर के जो पार्ट PCB होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस घटना से बचने के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मीटर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथियों अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।